हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, कल मैंने एक एडियो का प्रैक्टिस सेट जो है वहां पे पोस्ट किया था अपने सीजीपीएससी नॉलेज ग्रुप में, और साथ ही साथ जो मेरा वीडियो था कल का रात का तो फूड वाला, उसमें भी मैंने उसकी लिंक शेयर की थी। यदि अभी तक आपने उस एडियो के पेपर को सॉल्व नहीं किया है तो पहले आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आज के वीडियो में जो है हम उसी का पेपर का डिस्कशन करेंगे और सभी का आंसर मैं यहां पर आपको बताऊंगा। इस क्योंकि मैं डिस्कशन इसलिए करना चाहता हूं, बहुत लोगों को उस पेपर में डाउट रहता है, तो जो भी डाउट रहेगा आंसर के साथ साथ मैं सभी को बताऊंगा कि उसका आंसर ये क्यों लिया गया है। तो इसी अगर आप अभी तक वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किया तो पहले सॉल्व कर लीजिए। इस वीडियो के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक दूंगा, तो पहले आप पेपर सॉल्व कीजिए, अपना आंसर लिखिएगा एक पेपर में नोट करके, फिर यहां से आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं अपने कल के पेपर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कल क्या था पेपर पहला क्वेश्चन? सबसे पहला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, यानी वेस्ट की ओर कौन सी नदी बहती है, जो भी ऑप्शन है हमारे चार उसमें से। तो पहला ऑप्शन था हसदो नदी। तो हसदो नदी कहां से निकल रही है? कोरिया से निकल रही है, और वो जो है दक्षिण की ओर बहते हुए आकर किससे मिल जाती है? हसदो नदी महानदी से। दूसरा ऑप्शन है इंद्रावती नदी। तो इंद्रावती नदी जो है उड़ीसा से निकल रही है, उड़ीसा से निकलते हुए मुंगेर पहाड़ी से होते हुए पश्चिम की ओर ही बहते हुए बस्तर से होते हुए जाती है और जाकर भद्रकाली के पास किसमें मिल जाती है? गोदावरी नदी में। तो पश्चिम, और तीसरा ऑप्शन है महानदी, चौथा शिवनाथ नदी। तो ये सब नदी जो है पूर्व की ओर बहती है, बस जो इंद्रावती नदी है वो पश्चिम की ओर बहती है। तो इसका आंसर है, पहले का आंसर है बी, ठीक, पहले का आंसर है यहां पर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में किस जाति के वन अधिकतर पाए जाते हैं, यानी इस राज्य में कौन से वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? ऑप्शन है ए सॉल वन, बी है सागौन, सी है बीजा और डी है बास। तो सॉल वन जो है लगभग 40% भाग पर पाए जाते हैं, तो दूसरे का आंसर है ए, यानी सॉल वन, ठीक है। अगला देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों के मध्य प्रांतों में समाहित किया गया? फिर से बोल रहा हूं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य को ब्रिटिश क्षेत्रों के मध्य प्रांत में समाहित किया गया, यानी कुल मिला के ये क्वेश्चन है, इस राज्य को मध्य प्रांत में कब शामिल किया गया, या ये बोल सकते हैं सेंट्रल प्रोविंस का गठन कब किया गया। वही क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, तो यहाँ पर सेंट्रल प्रोविंस का गठन कब किया गया था? 1861। तो इसका ऑप्शन है, देखिए, ए ऑप्शन था 1818, बी ऑप्शन था 1830, सी ऑप्शन है 1861 और डी ऑप्शन है 1862, यानी 1862 और 1861। तो 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया था, तो लेकिन मध्य प्रांत का गठन कब किया गया था सेंट्रल प्रोविंस का? 1861, यानी इसका आंसर है सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेलाडीला किस पत्तन यानी पोर्ट के, ठीक है, पोर्ट से जुड़ा हुआ है। बेलाडीला किस पोर्ट से जुड़ा हुआ है? बेलाडीला से लोहा अयस्क निकलता है, उसको भेजा जाता है कहां पे? ऑप्शन है देखिए दीघा, दूसरा ऑप्शन है पारादीप, तीसरा ऑप्शन है विशाखापट्टनम, चौथा ऑप्शन है हल्दिया। तो जो भी हमारा निकाला जाता है लोहा अयस्क, को कहां बेलाडीला से भेजा जाता है? विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम से जापान भेजा जाता है। तो इसका आंसर है, बेलाडीला किससे जुड़ा है? विशाखापट्टनम से, यानी सी, ठीक है, चौथे का भी आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन जो है एक्चुअल मैंने सभी क्वेश्चन को पेपर से लिया था, तो ये क्वेश्चन में ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है, मैंने पेपर बनाते हुए इसका ऑप्शन नहीं देखा था, जल्दी जल्दी में लिखा था। और क्वेश्चन है, इस राज्य में विधानसभा की 90 सीटों में से निम्नलिखित में से कितनी सीट अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, यानी एससी और एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है विधानसभा में, इसको हमको जोड़ के बताना था। तो इसका ऑप्शन है ए 44, दूसरा ऑप्शन है 34, तीसरा ऑप्शन है 24 और चौथा ऑप्शन है 10। तो यहाँ पर जो है एससी एसटी की, अगर एससी एसटी की सीटें हमारे यहाँ 29 और एससी की सीटें 10, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 39 सीट आता है। तो ये क्वेश्चन जो है वह व्यापम में आया हुआ है, तो इसको रद्द कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन देते समय मैंने नहीं देखा था, तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तब भी आप जान लीजिए 39 आंसर है इसका, ठीक है, ऑप्शन में नहीं है लेकिन 39 इसका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य में मार्च 1922 में रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के समय गिरफ्तार हुए नेताओं में से एक कौन थे, यानी जब रायपुर में जिला राजनीतिक सम्मेलन हुआ था तो उस समय किसको गिरफ्तार किया गया था, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है पंडित सुंदरलाल शर्मा,
दूसरा ऑप्शन है रऊफ खां, तीसरा ऑप्शन है पंडित रविशंकर शुक्ल और चौथा ऑप्शन है पंडित रामानंद दुबे। तो इसमें क्या हुआ था, एक जिला राजनीतिक सम्मेलन बुलाया गया था असहयोग आंदोलन के बाद, जो उसी समय चल रहा था असहयोग आंदोलन के समय एक जिला राजनीतिक सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें अंदर जाने के लिए एक फीस रखी गई थी यानी टिकट रखी गई थी। तो एक अंग्रेज अधिकारी जो है वो अंदर जाना चाहते थे, क्योंकि वहां पर जाने के लिए फीस रखी गई थी, तो वो अंग्रेज अधिकारी फीस देने के लिए मतलब वो सोचे थे कि हम अंग्रेज है तो हम ऐसे ही चले जाएंगे, हम कोई भी अपना रोप दिखा के फीस नहीं देंगे। तो इसको अंदर जाने से रविशंकर शुक्ल ने रोक लिया था, तो रविशंकर शुक्ल को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था। तो इसका आंसर है सी रविशंकर शुक्ल, छठवें का आंसर है सी रविशंकर शुक्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य के कहां पर स्थित किले को गज किला कहा जाता है, यानी गज किला किसको कहा जाता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है, तो गज किला या हाथी किला, यानी ये इसको मैंने एक वीडियो में बताया भी था हाथी किले के बारे में। तो इसका ऑप्शन है ए जसपुर, बी सरगुजा, सी बस्तर, डी रतनपुर। तो गज किला यानी हाथी किला कहां है, डी रतनपुर में, ठीक। तो सातवें का आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में रायपुर को इस राज्य की राजधानी बनाया गया, यानी रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी कब बनाई गई थी, ठीक है, अंग्रेज ब्रिटिश काल में ये पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन ऑप्शन क्या है, ए 1818, बी 1825, सी 1858, डी 1862। तो रायपुर को जब कैप्टन एडमंड आए थे तो उन्होंने जो है रतनपुर से रायपुर राजधानी स्थानांतरित की थी। तो इसका आंसर क्या होगा, ए 1818, ठीक, आठवें का आंसर है ए 1818। अगला देखते हैं नौवां क्वेश्चन, इसमें मैचिंग है, पचराही, सिरपुर, महेशपुर, ऋषभ तीर्थ। तो पचराही का है, मैं डायरेक्ट आंसर में बता रहा हूँ, पचराही जो है वो कबीरधाम में है, सिरपुर जो है वो महासमुंद में है, महेशपुर जो है वो सरगुजा में है, और ऋषभ तीर्थ जो है वो जांजगीर चांपा में है। तो इसका आंसर होगा, नाइन का आंसर है बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस राज्य की किस जनजाति का त्यौहार सरहुल है, सरहुल किस जनजाति का त्यौहार है, ऑप्शन है ए उराव, बी गोंड, सी प्रधान, डी कवर। तो सरहुल किसका त्यौहार है, उराव का। तो 10 का आंसर है ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जिलों की किस जोड़ी में उच्चतम व न्यूनतम साक्षरता दर है, यानी मैक्सिमम साक्षरता दर वाला जिला और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, ऑप्शन है दुर्ग सुकमा, बी है दुर्ग दंतेवाड़ा, सी है दुर्ग बस्तर और डी है दुर्ग बीजापुर। तो क्योंकि सुकमा ऑप्शन में है तो इससे हम समझ सकते हैं कि कितने जिलों के हिसाब से पूछ रहा है, 27 जिलों के हिसाब से। तो इसका आंसर होगा ए दुर्ग और सुकमा, दुर्ग मैक्सिमम है और सुकमा सबसे मिनिमम है। तो 11वें का आंसर है ए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में कौन छत्तीसगढ़ के दंडकारण्यों का पठार का भाग नहीं है, यानी दंडकारण्य के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता। ऑप्शन दिया है ए कोटरी बेसिन, तो कोटरी बेसिन जो है कोटरी नदी राजनांदगांव से निकलती है और फिर अबूझमाड़ से होते हुए आती है, तो कोटरी नदी तो दंडकारण्य का भाग है, ठीक है। अगला बस्तर का पठार, तो दंडकारण्य बस्तर के आसपास के ही क्षेत्र को कहा जाता है, तो बस्तर तो हो गई। तीसरा देखते हैं अबूझमाड़ की पहाड़ियां, अबूझमाड़ की पहाड़ियां जो है नारायणपुर में, तो दंडकारण्य का भाग है ही। चौथा है कन्हार बेसिन, यानी डी कन्हार बेसिन, कन्हार बेसिन जो है सोन नदी का पार्ट है, तो दंडकारण्य के पार्ट में नहीं आता। तो 12वें का आंसर होगा डी कन्हार बेसिन, ठीक है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में निम्नलिखित में से कौन से औद्योगिक क्षेत्र है, यानी रायपुर में कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र हमको ये बताना है। पहला है बोराई, दूसरा है उरला, तीसरा है हरिन छपरा और चौथा है सिलतरा, ठीक है। तो रायपुर में कौन कौन से है, उरला और सिलतरा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 और 4, यानी 13वें का आंसर है डी 2 और 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर मध्य भारत पेपर मिल है, मध्य भारत पेपर मिल कहां पे, ये पूछा गया। ऑप्शन है ए चापा, बी है रायगढ़, सी है बिलासपुर और डी है राजनांदगांव। तो मध्य भारत पेपर मिल कहां है, चापा में। तो इसका आंसर है ए चापा, तो 14 का आंसर है ए। अगला है 15वां नंबर, निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना महाविद्यालय यानी कॉलेज है। ऑप्शन दिया है ए दुर्गा महाविद्यालय, बी छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, सी विज्ञान महाविद्यालय और चौथा है संस्कृत महाविद्यालय। तो इसका आंसर क्या है, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय यानी बी, ठीक है। तो 15 का आंसर है बी। अगला है, निम्न में से किस स्थान में छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थित है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई। तो आईटीआई कहां है सबसे पुराना, पहला ऑप्शन है कोनी बिलासपुर, दूसरा ऑप्शन है उड़ला रायपुर, तीसरा ऑप्शन है बोराई दुर्ग और चौथा ऑप्शन है रुद्री धमतरी।
तो इसका आंसर है कोनी बिलासपुर, तो 16 नंबर का आंसर है ए। ठीक है, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के राज्यपालों को उनके कालक्रम के अनुसार लगाइए, यानी जोन से राज्यपाल सबसे पहले आए हैं उसको पहले लिखना और बाद वाले को बाद में ऐसे जमाना है। तो इसका पहला नाम है नरसिम्हन, दूसरा नाम है के.एम. सेठ, तीसरा नाम है दिनेश नंदन सहाय, चौथा नाम है शेखर दत्त। तो इसमें से सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले राज्यपाल थे दिनेश नंदन सहाय, उसके बाद आए थे के.एम. सेठ, उसके बाद आए थे नरसिम्हन, और उसके बाद आए शेखर दत्त। तो इसका आंसर क्या होगा? 3214। तो 3214 जो है हमारे सी ऑप्शन में है, तो 17 का आंसर हो गया सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेटी के विदा निम्न में से किसकी रचना है? बेटी के विदा किसकी रचना है? ऑप्शन है ए श्यामल चतुर्वेदी, बी हरि ठाकुर, सी नारायण लाल परमार, और डी दानेश्वर शर्मा। तो बेटी के विदा किसकी रचना है? दानेश्वर शर्मा की, यानी डी। तो 18 का आंसर है डी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये करंट का क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न उपराष्ट्रपति चुनाव में वेंकैया नायडू ने किसको हराकर उपराष्ट्रपति का चुनाव जीता, यानी उनके अपोनेंट में कौन थे? ऑप्शन है ए भैरव सिंह शेखावत, बी हामिद अंसारी, सी गोपाल कृष्ण गांधी, और डी यशवंत सिन्हा। तो किसको हराकर उन्होंने जीता है? गोपाल कृष्ण गांधी, यानी 19 का हो गया आंसर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री किसको बनाया? पहला ऑप्शन है साहिद खकान अब्बासी, बी है मोहम्मद इकबाल, सी है नवाज शरीफ, और डी है मोहम्मद यूनुस खान। तो इसका आंसर क्या है? ए साहिद खकान अब्बासी, यानी 20 का आंसर है ए। ठीक, अगला क्वेश्चन, हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कृत SP84 का संबंध किस खेल से है? फिर से बता रहा हूं, हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कृत SP84 का संबंध किस खेल से है? पहला ऑप्शन है गोल्फ, दूसरा ऑप्शन है कबड्डी, तीसरा ऑप्शन है फुटबॉल, चौथा ऑप्शन है टेबल टेनिस। तो 21 का अर्जुन पुरस्कार से SP84 को किस फील्ड से है? वो गोल्फ से। तो 21 का आंसर है ए। ठीक, अगला क्वेश्चन, हाल ही में परमाणु ऊर्जा से चलने वाले जहाज का निर्माण किस देश में किया गया है? यानी ऐसा जहाज कहां बनाया गया जो कि परमाणु ऊर्जा से चलेगा? तो ऐसा जहाज के लिए ऑप्शन है ए रूस, बी अमेरिका, सी चीन, डी जापान। तो कि ऐसा जहाज कहां बनाया गया? रूस में। ठीक है, तो 22 का आंसर है ए रूस। अगला, 2018 में होने वाले फीफा विश्व कप में क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन सा है? फिर से बोल रहा हूं, 2018 में होने वाले फीफा विश्व कप में यानी फुटबॉल का वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन सा है? पहला ऑप्शन है सर्बिया, दूसरा ऑप्शन है आइलैंड जिसको हिंदी में आइसलैंड बोलते हैं, सी कोसोवो, डी नामीबिया। तो कौन सा देश अभी क्वालिफाई किया? आइलैंड जिसको आइसलैंड भी बोला जाता है। 23 का बी आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत रूस के साथ मिलकर किस देश में परमाणु संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? यानी भारत रूस के साथ मिलकर किस देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र अभी लगा रहा है? ऑप्शन है ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका, और डी भूटान। तो कौन से देश में लगा रहा है भारत? बांग्लादेश में। ठीक है, तो 24 का आंसर है बी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें बोला है विभिन्न राज्यों में लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सम्मिलित कीजिए, यानी एक तरफ राज्य लिखा गया है और एक तरफ सीटें का लिखा गया, उसको मैचिंग करने की लोकसभा सीटें कितनी है। तो पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूं, तो इसका आंसर आप उसमें मैचिंग में मिला लीजिएगा, इसका आंसर है 25 का आंसर है डी। ठीक है, जिसमें छत्तीसगढ़ 11 है वो सबको पता है, आंध्र प्रदेश का आएगा, आंध्र प्रदेश का इसमें है अपना 25 सीट आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, इसके बाद है हमारा तमिलनाडु, तमिलनाडु की जो है 39 सीट है, तो ऐसे करके आप मिला लीजिएगा, आंसर डी है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा दमन द्वीप को भारत का अंग बनाया गया, यानी कौन से नंबर के संविधान संशोधन द्वारा गोवा और दमन द्वीप भारत के अंग बने हैं? ऑप्शन है ए 9वां, बी है 12th, सी है 15th, और डी है 21। तो कौन से संविधान संशोधन से गोवा और दमन द्वीप भारत के अंग बने हैं? 12वां संविधान संशोधन, यानी 26 का आंसर है डी। ठीक, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी?
ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, बी है 14 दिसंबर 1946, सी है 11 दिसंबर 1946 और डी है 14 जनवरी 1947। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, यानी इसका आंसर 27 का है ए। ठीक, अगला देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता आदि सब संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए? तो ये तीन वर्ड कब जोड़े गए थे ये हमको बताना है। ऑप्शन है ए 42वें संविधान संशोधन, बी 44th, सी 61 और डी है 52। तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है? 28 का आंसर है ए 42। ठीक है, 28 का आंसर है ए 42। अगला देखते हैं 29, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? यानी दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी राज्यसभा अध्यक्ष, सी भारत का उपराष्ट्रपति और डी लोकसभा उपाध्यक्ष। तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो 29 का आंसर है ए। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का निम्न में से किसके साथ संबंध है, यानी आर्टिकल 370 क्या है? ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जे के प्रावधानों के साथ, बी राज्यों में राष्ट्रपति शासन, सी अंतरराज्यीय जल विवाद और डी संविधान में संशोधन करने हेतु संसद की शक्तियां। तो 370 बहुत फेमस आर्टिकल है, किसके लिए? जम्मू कश्मीर के लिए। 30 का है ए आंसर। ठीक है, आता रहता है पेपर में ये। अगला, ये हमारा छत्तीसगढ़ वाले पार्ट खत्म हो चुके हैं, जो हमारा 30 नंबर का है। अब जो बाकी पार्ट है वो हिंदी का है, तो हिंदी के आंसर मिला लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अन्न जल उठना का अर्थ क्या है? अन्न जल उठना, ऑप्शन है आर्थिक स्थिति कमजोर होना, किसी से संबंध विच्छेद होना, किसी चीज का अंत होना और डी है मृत्यु को प्राप्त करना। तो अन्न जल उठना मतलब मृत्यु को प्राप्त करना, यानी 31 का आंसर है डी। ठीक है, अगला देखते हैं, पूछा है सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है, यानी सुक्ति को किस प्रकार से संधि विच्छेद किया जा सकता है? तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, सुक्ति को ऐसा लिखा जाता है सुधन उक्ति और ये उ और उ मिलकर बड़ा उ बन जाते हैं और आंसर होता है सुक्ति। ठीक है, तो उ और उ बड़ा उ बन जाते हैं, तो ये दीर्घ स्वर संधि का ही एग्जांपल है सुक्ति। तो इसका आंसर होगा बी, 32 का आंसर है बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बदस्तूर, ठीक है, बदस्तूर इसमें पूछा गया, बदस्तूर में उपसर्ग क्या है, यानी इसका उपसर्ग क्या है? ऑप्शन दिया है वध, दूसरा ऑप्शन दिया है बद, तीसरा ऑप्शन दिया है बत्स और चौथा ऑप्शन दिया है ब। तो इसका देखिए अलग करने से यहां पर ब धन दस्तूर लिखा जा सकता है, तो इसका उपसर्ग क्या होगा? ब। तो 33 का आंसर है डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला, स्वयं सेवकों ने फिल इन द ब्लैंक्स करना, हमको स्वयं सेवकों ने खालिस्तान व्रत रखा। तो ऑप्शन है आजीवन, दूसरा ऑप्शन है आमरण, तीसरा ऑप्शन है आजन्म, तीसरा और चौथा ऑप्शन है आपात। तो आमरण अनशन बोलते हैं, आमरण व्रत बोलते हैं, तो 34 का आंसर होगा बी आमरण। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, पूछा है यथा विवेक में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन दिया द्वंद्व समास, दूसरा ऑप्शन दिया अव्ययी भाव समास, तीसरा ऑप्शन दिया कर्मधारय और चौथा ऑप्शन दिया तत्पुरुष। तो यथा विवेक का क्या होगा, इसका संधि, इसका समास क्या होता है? विवेक के अनुसार। तो यथा विवेक, विवेक के अनुसार, यानी कौन सा समास हो गया? बी अव्ययी भाव समास। तो 35 का आंसर है बी अव्ययी भाव समास। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला है पंजाब में कौन सा समास है? तो ये इसका, ये मेरी मिस्टेक थी, मैंने द्वंद लिख दिया, वो द्विगु था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए द्वंद को मैं द्विगु के हिसाब से पढ़ रहा हूं पहला। ठीक है, 36 का आंसर है, ऑप्शन दिया है पंजाब में कौन सा समास है? ऑप्शन है ए द्विगु, बी अव्ययी भाव समास, सी तत्पुरुष, डी कर्मधारय। तो पंजाब पांच आबों का समूह, यानी पांच नदियों का समूह, तो ये कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। तो 36 का आंसर है ए। तो इसको आप द्वंद की जगह द्विगु पढ़िएगा। ठीक है, इसको द्विगु समास है ये। अगला देखते हैं 37 बोला है पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? यानी पेड़ से बंदर कूदा कौन सा कारक है? ऑप्शन दिया है ए अपादान, बी संप्रदान, सी कर्म, डी करण। तो क्या होता है पेड़ से बंदर कूदा, यानी वो पेड़ से अलग हो रहा है, तो अलग होना मतलब कौन सा कारक होता है? अपादान, जुड़ना, संप्रदान होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 37 ए अपादान। ठीक है, 37 का ए आंसर है अपादान। अगला देखते हैं,
बोला है मनोहर शब्द में कौन सी संधि है, मनोहर शब्द, तो ऑप्शन दिया गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। तो मनोहर क्या होता है, मनह धन हर, यानी क्या होगा विसर्ग संधि, यानी 38 का आंसर है सी। अगला देखते हैं, धन को व्यर्थ खर्च करने वाला क्या होता है, धन को जो व्यर्थ खर्च करता है उसको क्या बोलते हैं, ए ऑप्शन दिया व्ययी, दूसरा ऑप्शन दिया धनिक, तीसरा ऑप्शन दिया मित व्ययी, चौथा ऑप्शन दिया अपव्ययी। तो जो धन को ज्यादा खर्च करता है उसको क्या बोला जाता है, अपव्ययी, और जो कम खर्च करता है उसको बोलते हैं मित व्ययी या कंजूस। तो 39 का आंसर होगा डी अपव्ययी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्पायु का विलोम शब्द क्या होगा, अल्पायु का विलोम शब्द ऑप्शन दिया ए दीर्घायु, बी चिरंजीवी, सी बहुसंख्यक, डी जीवित। तो देखिए यहाँ पर चिरंजीवी का भी लगभग लगभग वही अर्थ होता है, लेकिन अल्पायु क्योंकि है ऑप्शन क्वेश्चन में है तो उसका उल्टा होता है दीर्घायु, यानी छोटी आयु से बड़ा आयु। चिरंजीवी भी लगभग लगभग वही आंसर होता है, लेकिन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है उसने अल्पायु का विलोम शब्द दीर्घायु लिया है, तो 40 का आंसर होगा ए दीर्घायु। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी के हिसाब से शुद्ध है, तो पहला लिखा है क्वेश्चन में देखिए अध्ययन, तो अध्ययन ये गलत है, दो बार यह आना चाहिए उसमें। दूसरा लिखा है आशीर्वाद, ऐसे लिखा है तो ये भी आशीर्वाद गलत है, आशीर्वाद ऐसा होता है। तीसरा दिया है इकाई, तो इकाई को उसमें ऐसा लिखा हुआ है इकाई, तो ये भी गलत है, इकाई में ये ऐसा होना चाहिए। और चौथा दिया है अनुकूल, तो अनुकूल जो है सही लिखा हुआ है। ठीक, तो वर्तनी के हिसाब से अनुकूल जो है वर्ड सही है, तो 40 का आंसर है डी। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन बोला है ना कहां तक हो, 42 बोला है सजाना क्रिया की भाववाचक संज्ञा क्या है, सजाना की भाववाचक संज्ञा क्या है, ऑप्शन दिया ए सजा, बी सजावट, सी सजावा, डी सजावटी। तो सजाना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, सजावट, यानी 42 का आंसर है बी। ठीक, अगला दिया है निम्न में से कौन सा अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द अपने को बताना है, तो यथोचित दिया है वो भी सही लिखा है, वात्सल्य भी सही लिखा है, वांछनीय भी सही लिखा है, प्रफुल्लित जो है वो गलत लिखा है, प्रफुल्लित ऐसा लिखाया जाता है, ठीक उसमें ऐसा लिखा हुआ है, तो ये गलत वर्ड है, तो इसका आंसर क्या होगा, 43 का आंसर है सी, ये गलत लिखा हुआ है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा पुर्तगाली भाषा का शब्द है, तो इसके ऑप्शन है ए पिस्तौल, बी रेल, सी चेहरा, डी आदमी। तो पुर्तगाली शब्द है पिस्तौल, तो 44 का आंसर होगा ए। ठीक है, ये वर्ड तो रटने पड़ते हैं। अगला देखते हैं, शून्य का तद्भव शब्द क्या है, यानी शून्य बाकी शून्य का तद्भव हमको बताना है, ऑप्शन दिया ए शून्य, बी शून्य, सी सुन्ना, और डी ऑप्शन दिया शून्य शून्य, वैसे शून्य लिखा है, तो इसका आंसर है 45 का बी, यानी ऐसा लिखा हुआ जो सही है शून्य। एक शून्य का तद्भव शून्य होता है, 45 का आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 46 का आंसर है, क्वेश्चन बोला है स्तुति का विलोम शब्द क्या होता है, स्तुति, तो ऑप्शन दिया ए निंदा, बी प्रशंसा, सी विस्वी स्तुति, और डी अस्तुति। तो स्तुति का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना किसी की, या ठीक है, या तो इसका उल्टा क्या होगा, निंदा होगा, तो 46 का आंसर है ए निंदा। ठीक है, किसी को ज्यादा पूजना भी स्तुति आता है, तो उसका उल्टा होता है ए निंदा। 47 का है, निम्न में से कौन सा अनिश्चय वाचक सर्वनाम है, अनिश्चय वाचक हमको बताना है, जैसे ऑप्शन दिया यह, पहला ऑप्शन है यह, दूसरा ऑप्शन दिए आप, सी ऑप्शन दिए कौन, और डी का है कोई। तो अनिश्चय वाचक यानी जो अनिश्चित नहीं है, जैसे कोई मिल गया, तो डी जो है वो कोई, वो अनिश्चय वाचक है, 47 का आंसर होगा डी। और दूसरा ऑप्शन है कौन, कौन तो प्रश्नवाचक है। अगला देखते हैं, 48 बोला है प वर्ग का अंतिम व्यंजन क्या है, यानी जो प वर्ग होता है प फ ब भ म, तो उसका अंतिम व्यंजन क्या आता है, म आता है, तो 48 का आंसर है डी म। अगला देखते हैं, 49 जल निधि किस प्रकार का शब्द है, जल निधि, तो ऑप्शन दिया है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, इनमें से कोई नहीं। तो रूढ़ शब्द क्या होता है, जिन शब्दों के खंड करने से उसके शब्दों के अलग अलग मतलब ना निकल पाए, तो उसको बोलता है रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द क्या होता है, जिन शब्दों के मतलब तोड़ने से, जैसे मान लीजिए दो शब्द कोई भी ले लेते हैं, जैसे जल निधि ऑप्शन में दिया, तो इसको तोड़ते हैं तो जल का अलग मतलब निकलता है, निधि का अलग मतलब निकलता है। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग मतलब निकलता है, तो अगर हम दोनों को जोड़ दे तो जल निधि का वही मतलब है, तो यही यौगिक शब्द है। और दूसरा क्या होता, तीसरा क्या होता है, योग ऋण शब्द, जैसे हो गया पंकज,
पंकज को मैं तोड़ता हूं तो पंक धन ज, पंक का मतलब क्या होता है? कीचड़, यानी उसका भी अलग मतलब हो रहा है, और ज का मतलब क्या होता है? कीचड़ उत्पन्न होने वाला। तो अगर मैं जोड़ दूं तो पंकज का क्या होगा? कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, यानी तीसरे वर्ण का अनुभूति होगी, यानी कमल। वैसे ही जलद क्या होता है? जल, और द में होता है देने वाला। तो जल का मतलब क्या होता है? पानी, और द का मतलब होता है देने वाला, पानी देने वाला, यानी बादल, यानी तीसरे अर्थ की अनुभूति हो रही है। तो वहां पे जो शब्द होता है उसको योग ऋण शब्द बोला जाता है। तो यहाँ पर जल निधि है, तो जल निधि यानी जल के पात्र, ठीक है, जल का पात्र, तो जल निधि वही होता है। तो यहाँ पर बी क्या हो गया? यौगिक शब्द, ठीक है। तो 49 का आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकेला शब्द में प्रत्यय है। अकेला शब्द में कौन सा प्रत्यय? ऑप्शन दिए एला, ला, ल और अ। तो अकेला में एला होता है प्रत्यय, तो 50 का आंसर है ए, एला। फिर है तलवार शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन दिया ए खड़क, बी चंद्रहास, सी करवाल और डी रमणी। तो रमणी जो होता है वो युवती के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है 51 का डी, ठीक है, तलवार का नहीं है वो। अगला है झंडा का पर्यायवाची, ऑप्शन दिया ए पताका, बी केतु, सी निशान, डी सभी। तो झंडा के लिए तीनों तीनों ही वर्ड यूज होता है, पर्यायवाची, पताका, केतु, निशान। तो इसका आंसर है 52 का डी, यानी सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध शब्द है जो पांच चार चीज दिया है, अनुग्रहित, अनुगृहित, अनुगर्हित, अनुगर्हित। तो इसका जो शुद्ध शब्द है, देखिए अनुग्रहित हम आज तक ऐसे लिखे हुए लिखते आते हैं, अनुग्रहित ऐसे लिखे आते हैं, लेकिन ये जो वर्ड है ये गलत लिखते हैं हम, अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है। इसको जो हम अनुग्रहित होता है ये असली में, ठीक है, तो ये हम आज तक गलती करते हुए आए हैं। अगर आपको ऐसे वाले वर्ड चाहिए और कैसे जो जो हम गलत लिखते हैं और पेपर में पूछे जाते हैं, तो मैं उसका आप बताइएगा कमेंट में, मैं उसका भी एक वीडियो बना दूंगा, कौन कौन से वर्ड जो है सही तरीके से लिखे जाते हैं। तो अनुग्रहित ऐसा लिखा जाता है, तो इसका आंसर जो है यहां पर होगा 53 का आंसर बी, यानी अनुग्रहित जो ये वाला ऑप्शन है ये सही है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द में पुनर्स्थापना, तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, पुनर्स्थापना ऐसे लिखते हैं, तो इसका ऑप्शन जो है 54 का आंसर है सी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा है हथेली पर सरसों उगाना का अर्थ क्या है? इसका ऑप्शन दिया शीघ्र प्रतिफल की कामना करना, स्थान तथा कार्य में ध्यान न रखना, असंभव कार्य करना, प्रकृति के नियमों की अवहेलना करना। तो हथेली पर सरसों गाना यानी असंभव कार्य करना, यानी सी इसका आंसर है। अगला देखते हैं, निम्न में तद्भव शब्द क्या है? ऑप्शन दिया पृथ्वी, पक्षी, प्रस्तर और फूल। तो बाकी तीनों तत्सम शब्द है, बस एक जो है फूल जो है वो तद्भव शब्द है। तो 56 का आंसर है डी। अगला देखते हैं, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, यानी सकर्मक क्रिया कौन सी है? इसका ऑप्शन दिया मैं दौड़ता हूं, वह सो गया, वह सो रहा है, सी ऑप्शन है मोहन क्रिकेट खेलता है, और डी ऑप्शन है मुझे जाना है। तो सकर्मक क्रिया क्या है? मोहन क्रिकेट खेलता है। यहां पर कर्म क्या है? क्रिकेट खेलना। तो यहां पर जो है 57 का आंसर है सी। अगर ये आपको सकर्मक अकर्मक में भी प्रॉब्लम है तो बताइएगा, इसका भी वीडियो मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, ठीक है, 57 का आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, कपूर शब्द का तत्सम वर्ड क्या है? तो कपूर का तत्सम ऐसे लिखा जाता है कर्पूर, तो इसका तत्सम शब्द कर्पूर है, जो ऑप्शन है 58 का ए आंसर है, ठीक। अगला है 59, केदार का पर्यायवाची है, तो केदार का पर्यायवाची ए लिखा है महेश, बी है ब्रह्मा, सी है विष्णु, डी है इंद्र। तो महेश शंकर भगवान को बोलते हैं, केदारनाथ हमने सबने सुना होगा शंकर भगवान ही है, तो 59 का आंसर है ए महेश। अगला देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है सी, स्वर वर्ण कौन सा है? ऑप्शन दिया क ख ग घ अंग, बी दिया अ आ ई ई उ, तो सी सबको पता है स्वर अ आ ई ई उ ही होते हैं, तो 60 का आंसर है बी अ आ ई ई उ, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन थे जो मैंने पेपर में बनाए थे सबका यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सब चीज जो है मैंने क्वेश्चन जो दिए तो समझ आए होंगे। जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं खुद से, कितना आपके आंसर वहां पे आ रहे हैं, तो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सबको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और ऐसे ही मैं अभी ग्रामीण विकास आजीविका के लिए भी अलग से क्वेश्चन बनाऊंगा, पंचायत के लिए भी, तो उसका हम डिस्कस भी कर लेंगे, साथ ही साथ मैं उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा, तो आप पहले सॉल्व कीजिएगा फिर उसका आंसर टिक कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।